शलभमणि त्रिपाठी कहा यह जा रहा है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया को अगर किया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा, उसमें कहा जा रहा है लोगों को ट्रेन किया गया है, ट्रेनिंग के संदर्भ में पारदर्शिता नहीं है, लोग इसको लेकर संशय में है और संदेह में है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने कोविड की लड़ाई बहुत वीरता से लड़ी, बहुत बहादुरी से लड़ी और हम दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले हमने एक माइलस्टोन स्थापित किया। आज जब कोरोना से लड़ने की बात चल रही थी, आप आंकड़ों को देखिए, भारत बहुत आगे है, बहुत बेहतर स्थिति में है। आज दुनिया के तमाम मुल्क जो अपने आप को बहुत ही विकसित मानते थे, आज भारत से पीछे छूट चुके हैं। और तमाम ऐसे लोग जब ये सवाल उठाते थे कि साहब अब वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, तो आज हम सबको इस बात को लेकर गर्व की अनुभूति होती है और होनी भी चाहिए कि भारत उन देशों में शुमार हुआ है जिसने सबसे पहले अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखिए जो काम हुआ है उसकी WHO ने तारीफ की है, दुनिया के तमाम देशों ने तारीफ की है। ये बात अलग है कि कुछ लोग इस विषय पर भी, जो कि एक राष्ट्रीय आपदा का विषय था, एक वैश्विक आपदा का विषय था, उस पर भी राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, पर उनके बारे में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट को जाया नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को देश पहचानता है, प्रदेश पहचानता है। हम कोविड की लड़ाई बहुत बहादुरी से लड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत ने बहुत एक शानदार एक मील का पत्थर स्थापित किया और मुझे लगता है कि जो वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है, जो शुभ मंगल टीका का काम शुरू होने जा रहा है, हमारा देश इसमें भी एक मील का पत्थर स्थापित करेगा, पूरी दुनिया को एक संदेश जाएगा, पूरी दुनिया के सामने एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम तो आप ये कह रहे हैं कि शुभ मंगल टीका है, तमाम एहतियात बरती गई है, जिनको सियासत इसमें भी देखनी है वो अपना काम कर रहे हैं, दुनिया इनको पहचान रही है। बहुत संक्षिप्त जवाब चाहूंगा, बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। घनश्याम तिवारी जी, कोवैक्सीन है या जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसको अगर किसी ने राजनीतिक स्वरूप दिया तो देश ने देखा है कि बिहार के चुनाव में किस तरीके से एक पार्टी ने उसे घोषणा पत्र में लिखा जब उस पार्टी के का और छोर नहीं था वैक्सीनेशन को। आज के अखबारों में केरल की के स्वास्थ्य मंत्री का इंटरव्यू है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का इंटरव्यू है। शलभमणि त्रिपाठी जी से पूछता हूँ, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी के किस राज्य के किस स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है ये एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग का प्रोटोकॉल है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है। और आपने इस तरीके से एक और सवाल उठा दिया है तो जवाब लिए बगैर आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। शलभमणि त्रिपाठी जल्दी से, देखिए ये वो लोग हैं जिनको टेबलेट कैसे बनती है, सामान्य बुखार की टेबलेट कैसे बनती है वो भी इनको पता नहीं है, लेकिन अपना इनको जो समाजवादी पार्टी का जो गूगल सेंटर है उसमें ये बैठ के बताते हैं कि ये वैक्सीन भी कौन सी जाति की है, कौन सी धर्म की है, कौन से दल की है। तो ऐसे लोगों की तो सोच पर तरस आता है और हमें नहीं, पूरे देश को, पूरी दुनिया इन पर हंस रही है, पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है कि कैसे लोग हैं ये वैक्सीनेशन को लेके ऐसे अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं कि साहब मत लगवाइए, आप लगाइएगा तो आपका रंग भगवा हो जाएगा, इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं, तो इनकी आलोचनाओं का हम और आगे लेके जाएंगे। शैलेंद्र सक्सेना साहब, ये जायज है, ये भी असल में प्रोसीजर का हिस्सा है, इसको भी प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए क्या, ये उठते हुए सवालों को, उठते हुए संशयों को, या आपको लगता है ये वाकई प्योर पॉलिटिक्स है? देखिए, जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, मैं एक मेडिकल साइंसेस के एक्सपर्ट की तरह पे यहाँ पे हूँ, किसी एक पार्टी को लिए मैं कोई ऐसा नहीं, नहीं मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मेरे सारे एक आदमी के दिल दिमाग में अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उसको प्रोसेस मानते हैं आप, या वो असल में किसी के बहकावे की वजह से सवाल आ रहा हूँ? जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमारे लिए एक पेशेंट पेशेंट होता है, ना वो कोई पैथी होती है, ना ही वहाँ पे कोई मजहब के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम किसी धर्म या संप्रदाय या पर्टिकुलर पार्टी इसके हिसाब से नहीं करते हैं। तो जितने भी अप्रूवल्स जब हम इस तरीके के करते हैं तो वो इस बेसिस पे होते हैं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के डेटा में हमें क्या मिला था। अभी सवाल था कि इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया, बिल्कुल ज़रूरी है, इमरजेंसी अप्रूवल इसलिए देना था क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके की आपदा थी हमारे पास कोई और औपचारिक तरीका नहीं था, अभी तक जो भी SOPs थे उसमें हम पेशेंट को सिर्फ जान बचा रहे थे, हमारे पास अगर एक ऑप्शन था तो उसको कर लेना ज़्यादा अच्छा है। हाउएवर, इमरजेंसी अप्रूवल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसका मतलब होता है कि हम जब वैक्सीन लगाते हैं तो पर्सन की कंसेंट भी लेते हैं, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और मायनेदार चीज़ है, तो हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम जिसको भी वैक्सीन लगाने का प्रयास सरकार कर रही है, ये इंटरनेशनल, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट इश्यू, इट इज़ अ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल कि जब हम किसी को वैक्सीन इमरजेंसी अप्रूवल के बाद लगाते हैं तो उससे कंसेंट भी साइन करवाते हैं कि हाँ आप लगवाने के इच्छुक हैं।